हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक एनालिसिस। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ड्यू टू सम प्रोजेक्ट वर्क मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप किया था, बट अब हम लोग दोबारा कंटिन्यूएशन में रहेंगे। सो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं हमारे रडार में आने वाले सेशंस के लिए। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। अगर आप देखें यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को रीड कर रहे हैं, तो देखिए ये जो कैंडल बना है, अगर आप डीपली देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है इस जगह पे। अगर हम देखें, ज़रा सा मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं, मार्केट कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में गया है, ऑलमोस्ट यहाँ तक गया। उसके बाद यहाँ जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, यहाँ पे ये जो एरिया है, ये आपका एक तरीके से डबल टॉप टाइप का एरिया हो गया जहाँ से मार्केट फॉल किया था। तो सिमिलरली ऑलमोस्ट वहीं से यहाँ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है, हालांकि पूरे इस लेवल तक को उसने क्रॉस नहीं किया, स्टिल एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। और उसके बाद एक फॉलो अप कैंडल हमें मिल गया है, एक स्ट्रॉन्ग मारुबोजू जिसको कह सकते हैं, जिसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है इसके नीचे आने की, ठीक है। तो ये हमारा व्यू है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए आने वाले दिनों के लिए। तो अगला अगला स्टॉक है हमारा सिप्ला। सिप्ला देखते हैं। सिप्ला में अगर हम देखें तो स्टॉक कंटिन्यूस एक डाउनफॉल में चल रहा है। हम देखें यहाँ से काफ़ी लंबा एक फॉल हमें देखने को मिला है, लॉन्ग करेक्शन, और ये एक सपोर्ट लेवल पे आके स्टॉक यहाँ से रिवर्ट किया है काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद। बट अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये जो कैंडल आज फॉर्म हुआ है, एक तरीके से ओपन इज इक्वल टू हाई और स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ एक सपोर्ट है, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है मार्केट, तो ये हम वापस नीचे के लेवल में हम इसको देख सकते हैं, नीचे की तरफ। अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो डेफिनेटली स्टॉक ट्राई करेगा एक बार और इस नीचे वाले लेवल को टेस्ट करने की। तो हमारा सिप्ला के लिए भी व्यू अभी नेगेटिव है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज। चलिए बाल कृष्णा देख लेते हैं। बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज में भी देखिए, तो स्टॉक काफ़ी अप ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया है और वो फॉल कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो अब ये जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और स्टॉक कोशिश करेगा आने वाले दिनों में इस लेवल पे एक स्टॉपेज ले सके, या कह सकते हैं एक तरीके का यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो अगर हम रिसेंटली देखें, पिछले 2-3 दिनों में जो ये कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रॉन्ग मारुबोजू बन रहा है, तो कहीं ना कहीं एक हाई प्रायोरिटी है कि इसके लो को तोड़ के ये नीचे की तरफ को मूव करे। तो इसके लिए हमारा व्यू नेगेटिव है, जो कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट है हमारा ऑरो फार्मा। चलिए ऑरो फार्मा देखते हैं। ऑरो फार्मा देखिए कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में है, काफ़ी टाइम के बाद इसने यहाँ से एक सपोर्ट लिया और कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन बना के ये ऊपर की तरफ जा रहा है। बट अगर हम लॉन्ग व्यू में देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन मिला है इसको, ये ट्रेंड लाइन है इस पे एक, और काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। तो हम एक स्मॉल पुल बैक यहाँ तक का, इस लेवल तक का, ये जो हमने रेड लाइन लिया हुआ है, यहाँ तक का एक पुल बैक जरूर देख सकते हैं, फिर बिफोर अप ट्रेंड, ठीक है। अब क्योंकि देखिए, अगर ये जो कैंडल हम देखें गौर से, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पिन बार बना है, या ये शूटिंग स्टार कह सकते हैं। तो इसके बाद हाईली चांस होता है, और वो भी कहाँ बना है, ट्रेंड लाइन के ऊपर बना है। तो इसलिए एक प्रोबेबिलिटी है कि इसको एक बार को ये इस लाइन को टेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमारा व्यू अभी नेगेटिव है, अगर ये लो इसका ब्रेक करता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा AU बैंक। चलिए AU बैंक देखते हैं। AU बैंक देखिए कंटिन्यूअसली डाउनफॉल चल रहा है इसका, कंटिन्यूअसली डाउनफॉल में है, आप देखें यहाँ पे। और
ये जो पिछले तीसरे तीन दिन 2 दिन पहले का जो अपमूव आया था यहाँ पे, एक सपोर्ट लेने के बाद एक अपमूव आया था, उसको ये दो कैंडलों ने वापस रिजेक्ट कर दिया। तो अगर हम इसको देखें तो इसको एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि इसको ये अब नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये जो अपमूव आया था इसको इनगल्फ कर लिया इन दोनों कैंडल ने, और स्ट्रॉन्ग मारुबोजू कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि अब ये हाई प्रोबेबिलिटी है इसके नीचे जाने की। ठीक है, तो ये हमारा व्यू है एयू बैंक के लिए। नेक्स्ट है हमारा एल्केम, एल्केम देख लेते हैं। ओके, सो एल्केम अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है एल्केम, काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया है, बट जो ये रेंज में है अभी, और ये जो कैंडल बनाया है इसको बोलते हैं हम लोग हैंगिंग मैन। तो एक अप ट्रेंड के बाद अगर ऐसा कुछ बनता है तो एक हाई प्रायोरिटी होती है कि नीचे जाए। अब रीज़न क्या है नीचे जा सकता है, बिकॉज आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद इस लेवल को ये टेस्ट करने आया है, तो एक तरीके का ये डबल टॉप भी है, और यहाँ पे एक ओपन इजक्वल टू हाई भी बना है। ठीक है, बायर्स ने कोशिश किया है इसको क्रॉस करने की, बट वो आज के डेट में सक्सेस नहीं हो पाए हैं। ठीक है, ऑल दो कोशिश काफ़ी अच्छी रही है, बट स्टिल एक प्रोबेबिलिटी है अभी इसको एक छोटा सा रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ ये करे एल्केम। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एशियन पेंट्स, चलिए एशियन पेंट्स देख लेते हैं। ओके, सो एशियन पेंट्स में अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से आज मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है और एक अच्छा कैंडल बना के क्लोज किया है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये इसने दो कैंडल्स को इंगल्फ भी कर लिया, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हुए ये कैंडल फॉर्म किया है, तो एक एक हाई प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर जाने की। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ अच्छा मूव दिखा सकता है एशियन पेंट्स। तो ये था आज का स्टॉक एनालिसिस, देखते हैं कमिंग सेशन में क्या इनके रिजल्ट्स रहते हैं, उनको भी दोबारा एनालाइज करेंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।